क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन गिवन बाय एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू वाई प्लस सिक्स अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन माइनस जेड अपॉन माइनस सेवन आर। हाँ जी, सानू जो है एक लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है तो इस लाइन के सानू डायरेक्शन रेशियोज जो है वह दसने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज वास्ते पहला सानू इस लाइन में जो है स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होंगी है उस दे विच चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू वाई प्लस सिक्स अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन माइनस जेड अपॉन माइनस सेवन। हाँ जी, हुण गल कर लैंदे हां भी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंदी है लाइन दी वो की होंदी है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। देखो इस क्वेश्चन दे विच उन्होंने डायरेक्शन रेशोज पूछिया सी। डायरेक्शन रेशोज की होंदिया ने, जो डिनोमिनेटर दे विच ए बी और सी ने यही जो है डायरेक्शन रेशोज ने। ठीक है, तो असी इन्हां दी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। सीधा असी नहीं लिख सकते, थ्री ट्वेल्व और माइनस सैवन इवें ना लिख के आ जाना। ठीक है, ये हाले स्टैंडर्ड इक्वेशन दे विच चेंज करना पेगा इसनों, तो सानू ए बी सी दी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनिया ने। देखो इत्थे प्रॉब्लम की आ रही है, एक्स माइनस एक्स वन में देखो इत्थे जो है जो गिवन इक्वेशन है उसके विच एक्स माइनस वन है तो एक्स वन जो है वो वन हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसके विच सानू कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही। हुण वाई माइनस वाई वन में देखो, वाई का जो कोफिशेंट है ना वो वन होना चाहिए है। इत्थे वाई का कोफिशेंट की आ रहा है, इत्थे टू आ रहा है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है, भी वाई का कोफिशेंट जो है वो वन नहीं है। हुण देख लें जेड दे विच की दिक्कत आ रही है। देखो जेड जो है वो अगे होना चाहिए है, जेड इत्थे जो है वो पिछे आ रहा है, वन माइनस जेड। ठीक है, दूजे नंबर पर आ रहा है, तो सानू जेड नू अगे लियाण वास्ते माइनस जो है कॉमन लेना पेगा। आई होप कि तुहानू ये क्लियर हो गया होना है। तो मेन बस इत्थे असी दो ही जो है स्टेप्स करने हैं, एक तो ये जो वाई का जो कोफिशेंट है उसनों वन बनाना है, वो किवें बनावांगे, ए है टू ते ए है सिक्स, ते जो टू है वो कॉमन बाहर आ सकता है, तो इत्थे तो असी टू नू जो है कॉमन लेके बाहर ठीक है सोल्व करांगे, ते जिहड़ा वन माइनस जेड है इस विचों असी जो है माइनस कॉमन लेके जेड माइनस वन करांगे। हाँ जी, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री ए तो एज इट इज इक्वल टू ए जो टू है इसनों कॉमन लवेंगे वाई प्लस, देखो सिक्स के विचों टू जो है कॉमन गया तो पीछे की रह जाएगा थ्री अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस कॉमन लवेंगे ए हो जाएगा जेड माइनस वन। ठीक है, माइनस कॉमन लेके जेड माइनस वन, तो थले जो है डिनोमिनेटर दे विच माइनस सेवन। हाँ जी, जिहड़ा ए वाला टू है ट्वेल्व नू कैंसल कर देगा सिक्स के उपर, तो ए माइनस जो है कैंसल हो जाएगा। ठीक है जी, इसनों नोट डाउन कर लो। हाँ जी, हुण जिहड़ा ये थ्री आया है ये सिक्स आया है तो ये जो सैवन आया है यही जो है साड़ी डायरेक्शन रेशोज ने। ठीक है, ए बी सी दी वैल्यूज़ ने, ते इत्थे कुछ एक बच्चों नू डाउट होंदा है भी ए तो एक्स माइनस एक्स वन वाली फॉर्म हो गई, ए भी जो है जेड माइनस जेड वन वाली जो है फॉर्म हो गई, ए जो है वाई प्लस थ्री है। ठीक है, वाई माइनस वाई वन वाली फॉर्म तो ये बनी नहीं है क्योंकि प्लस तो थ्री है। देखो ये एक्चुअल दे विच सानू नज़र तो आ रहा है भी प्लस तो थ्री है, एक्चुअल दे विच इत्थे की सी वाई माइनस माइनस ऑफ थ्री सी। ठीक है, तो ये सानू जो है लगेगा इस तरह भी वाई प्लस थ्री है, बट
ये जो एग्जैक्टली है वो है वाई माइनस माइनस ऑफ थ्री है, ए भी जो है वाई माइनस वाई वन वाली फॉर्म ही है, ठीक है। तो वाई वन जो है वो माइनस थ्री है, बाकी इस तो सानू जो है इतने इस क्वेश्चन के कोई मतलब नहीं है, सानू तो बस ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी सी। तो ए बी सी की वैल्यूज आईया ने थ्री, हाँ जी, तो सिक्स ते सैवन। डायरेक्शन रेशोज जो है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आंदियां ने, तो 12 टू नाल कैंसल करके सिक्स आंदा है, तो माइनस सैवन का माइनस जो है वो जेड माइनस वन के बाहर जो माइनस है वो कैंसल हो जाएगा। हाँ जी, थ्री सिक्स ते सैवन ये जो है डायरेक्शन रेशोज ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्शन रेशियोज आर थ्री सिक्स एंड सेवन। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है भी कॉमन एरिया फॉर ईच कॉन्स्ट्रेंट इज कॉल्ड, हर एक कॉन्स्ट्रेंट का जोड़ा कॉमन एरिया होंगे है उसनों की क्या जाता है। इसका सिंपल जो आंसर है फिजिबल रीजन, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स का जो कॉमन एरिया होंगे है उसनों असी फिजिबल रीजन जो है कहने हाँ। ऑप्शन बी फिजिबल रीजन इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का जो है क्वेश्चन है, इस दे विच इन्होंने सानू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/8 दे रखी है, ते ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1/5। तो इन्होंने साढ़े को पूछा की है a/b, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इन्होंने पूछी है। तो सिंपल जो फार्मूला जो है इतने अप्लाई करना है। हाँ जी, न्यूमरेटर दे विच असी इंटरसेक्शन की वैल्यू नू रखना है, तो डिनोमिनेटर दे विच इतने जो है असी पी ऑफ बी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बी दी, ठीक है, उसनों जो है रखांगे। तो कैलकुलेट कर लेने हैं जी। हाँ जी, पी ऑफ ए अपॉन बी, इसका फार्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। हाँ जी, न्यूमरेटर के बीच रखांगे वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी दी, ए है सानू गिवन 1/5, 1/5 इन द न्यूमरेटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ए है सानू गिवन 3/8, ठीक है। हाँ जी, इसनों असी रखांगे डिनोमिनेटर के बीच 3/8। एक बारी फिर लिख देना, स्पेस दे करके थोड़ा एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा है। हाँ जी, 3/8, तो 1/5 जो है ए इंटरसेक्शन बी दी जो है प्रोबेबिलिटी है, तो 3/8 जो है बी दी जो है प्रोबेबिलिटी है। इसनों सोल्व करांगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो है ऊपर, तो 3 जो है थल्ले डिनोमिनेटर दे विच। हाँ जी, 8 इन द न्यूमरेटर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 15। 8/15, ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर, 8/15।